नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अचानक में आज मंगलवार के दिन भरत झुंझुनवाला कहां से आ गया YouTube चैनल पे। तो इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है मंगलवार की मास्टर क्लास। यस, मंगलवार की मास्टर क्लास विद भरत झुंझुनवाला। अब इस सीरीज में क्या करेंगे, इस सीरीज में हम आपके साथ सारी जो टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स है ना, जो आप बहुत सारी किताबों में पढ़ रखे हैं या हमारी यूट्यूब वीडियोस में भी आपने देखी है, उसको हम आपको बताएंगे मार्केट में। राइट, तो प्राइस डेटा अभी बना नहीं है, हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइड का डेटा है और हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो कैंडल स्टिक्स की हो, चाहे वो प्राइस एक्शन की हो, चाहे वो इंडिकेटर्स की हो, व्हाटएवर, हम सबको यूज करके आपके साथ डिस्कशन करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्निकल एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे पैन आउट होते हैं एक्चुअल में। राइट, और ये टेक्निकल एनालिसिस काम करता है भी कि नहीं करता है। राइट, जो हम आपको बता रहे हैं, इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, ये किस हद तक काम करता है और आप इसको कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हो। तो किस बात की देरी, जल्दी से बजरंग बली का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपसे थोड़ी सी इसके लिए हम फीस चार्ज करेंगे। क्या फीस है? अरे फीस यही है, घबराइए मत, मॉनेटरी कोई फीस नहीं है। फीस ये है कि आप जो है ना, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को, अपने बंधुओं को, सबको उत्साह, एक तरह से प्रोत्साहित करेंगे कि आप आए और ये प्रोग्राम देखें। क्योंकि ये प्रोग्राम देखने से मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूं कि आपके साथ साथ सबका दिमाग खुलेगा। एकदम नॉन थ्योरेटिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकली चीजें कैसे चार्ट्स पे देखी जाती हैं उसी पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, जैसे मैंने कहा कि लेके बजरंग बली का नाम शुरू करते हैं। और यहां पर आप देखिए, शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से ही। राइट, तो निफ्टी के चार्ट्स पे शुरू करते हैं और ये हमें शुरू करेंगे बॉटम कैसे बना निफ्टी, या ये बॉटम बन गया है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि यहां पर बॉटम बन गया है क्या, और अगर बॉटम बन गया है तो कैसे हमें पता चले, क्या साइन है, क्या सिग्नल है जो हमें बता दी कि यहां बॉटम बन गया। तो यहां पर सबसे पहले आप देखो फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। जब भी आप कोई भी चार्ट खोलोगे ना, सबसे पहला काम आपका ये होगा देखना कि प्राइस कहां पर है। राइट, प्राइस कहां पर है, दिस इज द फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है। उसके बाद देखेंगे कि प्राइस क्या कर रही है। पहले ये तो देखिए प्राइस कहां पर है। तो यहां पर आप देखो प्राइस जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। राइट, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा ये वाला वो लेवल है, ये लेवल्स वो वाले लेवल्स है। जनरल इलेक्शन जिस साल हुए थे ना हमारे, उसके रिजल्ट जिस दिन आए थे, मोदी सरकार 3 जो उसकी एग्जिट पोल आई थी, उस समय का हाई है ये कैंडल। अच्छा, उसके बाद जो है उनको वैसे प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिली थी तो मार्केट एक तरह से फ्लैश क्रैश हुआ था, उसके बाद यहां से रिकवरी हुई थी। तो यहां पर जो है ना फ्रेंड, 2 दिन के अंदर ना मार्केट में बहुत कुछ हो गया। बहुत लोग पोजीशन से निकले, बहुत लोगों ने अपनी पोजीशन काटी, बहुत लोगों ने पोजीशन में एंट्री करी, तो बहुत सारा इमोशन है ना ये 2 दिनों में कैद है। तो इसीलिए ये हाई इमोशन जो पॉइंट होते हैं, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए ये जो लेवल है ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के तरह काम करेगा। तो हमारी एंटिसिपेशन यही थी कि अगर प्राइस आती है तो इस इंपॉर्टेंट लेवल पे एक बार रुकेगी और उसके बाद हम देखेंगे, बाद में एनालिसिस करेंगे कि क्या होती है। यहाँ पर रुक के प्राइस किस तरह से बिहेव करती है वो समझना जरूरी होता है। तो इसीलिए आपने को ये समझ में आ गया कि ये लेवल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अच्छा सर, उसके अलावा कुछ था क्या, आपने ये तो बताया, इसके अलावा क्या था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं। मूविंग एवरेज आपको सब जगह मिल जाएगा, सारे चैटिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है किसी आपको ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करना है, कोई भी ट्रेडिंग चैटिंग प्लेटफॉर्म यूज करिए, सॉफ्टवेयर उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट किया। अब 200 दिन का मूविंग एवरेज क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज एक फाइनल लाइन होती है बुल्स और बेयर्स के बीच में। राइट, 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर ब्रीच हुआ और उसके नीचे अगर प्राइस अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो एक तरह से बड़ा ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होता है। राइट, 200 दिन का मूविंग एवरेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। तो अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाए, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करें, तो अगर आप देखोगे तो 200 दिन के मूविंग एवरेज से निफ्टी का जो अफेयर है ना वो बहुत सॉलिड है। राइट, निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत सॉलिड अफेयर करती है। देखिए कितनी बार स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद निफ्टी ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच किया है और वहां से बाउंस करी है। राइट, देखिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके निफ्टी बाउंस करती है, और यहां पर भी ये अभी करंट सिनेरियो में निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है। देखिए यहां पर टूटा था 200 दिन का मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हो कि प्राइस किस तरह से करेक्टिव मोड में आई थी। ये रशिया यूक्रेन वाला झमेले वाला ये पीरियड था। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज ऑफकोर्स देखो कितने बार, 1 2 3
चार पांच छह सात सेवन टाइम पिछले चार साल में 200 दिन का मूविंग एवरेज टच हुआ है, जिसमें एक बार ब्रीच हुई है, राइट। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी क्या बोलती है भाई, हो सकता है कि देयर इज अ हाई चांस कि ये भी, क्योंकि 7 में से 1 प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है कि अगर 7 बार टच करती है तो 1 बार ब्रीच होती है। तो यहां पर ऑलरेडी 1 बार ब्रीच हो चुकी, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5वीं बार टच कर रही थी, तो ये प्रोबेबिलिटी थी कि यहां से मूविंग एवरेज का 200 दिन का मूविंग एवरेज था, तो यहां से एक बाउंस हम लोगों को मिल सकता था। यहां पर जैसे वापस मैं चार्ट को बड़ा करता हूं, तो ये जो था एक बहुत हाई इंटेंसिटी सपोर्ट था। नेक्स्ट चीज देखते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज जो हम प्राइस पैटर्न की बात करते हैं। यहां अगर आप प्राइस पैटर्न को देखो, अगर आप कैंडलस्टिक को देखो, तो ये जो कैंडलस्टिक है ये, इसे हम बुल सैश कैंडलस्टिक बोलते हैं, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक है, बहुत स्ट्रांग कैंडलस्टिक। अब मैं चार्ट को और बड़ा करता हूं और मैं अब आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं जो कि बहुत छुपी हुई चीज है, जो कि है एक प्रो गैप, राइट। देखिए ये पहले वाली कैंडलस्टिक की क्लोज ये है और दूसरी वाली कैंडलस्टिक की ओपन ये है, राइट। तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक गैप है, इसे प्रो गैप बोला जाता है। जनरली अगर आप देखोगे लोग बात करेंगे इस गैप की कि भैया यहां पर एक गैप आया, राइट, लेकिन ये गैप तो सबको दिख रहा है, राइट, और ये गैप ट्रेडेबल गैप है क्या? नंबर वन, सबसे पहले तो ये आप मेरे को बताओ कि कोई भी पैटर्न आप देखते हो उसमें देखने से, कोई भी पैटर्न को देखकर हमें करना क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है? कोई भी पैटर्न को देखकर हमारा इंटेंशन ये होता है उसे पता करना कि ये ट्रेडेबल है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये ट्रेडेबल गैप नहीं है। अब ये क्यों ट्रेडेबल गैप नहीं है? ये ट्रेडेबल गैप इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर आप यहां पर इसके ऊपर ट्रेड करते हो गैप अप के ऊपर और नीचे यहां पर लेके आते हो, तो 4 से 5% का आपका स्टॉप लॉस होता है, जो कि इंडेक्स में 4 से 5% का स्टॉप लॉस चलेगा नहीं। इंडेक्स में मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो चलता है वो 2% का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, राइट। वो 4-5% के स्टॉप लॉस है ना जो स्टॉक्स में चलते हैं, इंडेक्स में नहीं चलते। तो यहां पर देखिएगा एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। दूसरा, ये भाई ये प्राइस जो है ऑलरेडी इतनी ऊपर जा चुकी है, तो देयर इज एन वेरी वेरी स्ट्रांग चांस की प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस हो और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जाए। तो अगर आप यहां पर इस गैप पे ले लेते हो तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा पीछे की मार जो है वो झेलनी पड़ सकती है, थोड़ा सा आपके साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा, थोड़ा सा आपके इमोशंस को टेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपने ये गैप देखा यहां पर और इस गैप को पहचान लिया, इसे प्रो गैप बोलते हैं, इस गैप को पहचाना, तो आप देखो अगर आप इस कैंडल के नीचे हल्के से नीचे भी अगर अपना स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका जो है स्टॉप लॉस जो रिस्क है इस ट्रेड में बहुत छोटा होगा। अच्छा, इस कैंडल में एक और खास बात है। एक और खास बात क्या है, देखिए ये जितनी कैंडल्स गिर रही थी ना, जितनी कैंडल्स गिर रही थी सब में वॉल्यूम, सब देखिए बढ़ती की तरफ वॉल्यूम बढ़ रही थी, और ये जो लास्ट कैंडल है ये जो गिरी ना, इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम थी, ऑलमोस्ट देखिए पिछले कैंडल से कम थी। ये इसे कहते हैं ना VPA, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, इसी को VPA बोला जाता है। इतनी गहराई से मालूम है प्याज के छिलके उतारना होता है ये, इसे VPA बोला जाता है। तो ये एक तरह से बता रहा है आपको कि यहाँ पर सेलर्स की पार्टिसिपेशन जो थी वो थोड़ी सी कम थी, यहाँ पर इसके मुकाबले पार्टिसिपेशन कम थी। तो यहाँ पर सेलर्स जो है ना थोड़े से नर्वस ऑलरेडी दिखाई दे रहे थे, राइट। और ये इनडिसिसिव कैंडल होता है, अभी लोग इसे इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं, मेरे ख्याल से डोजी सबसे ज्यादा डिसिसिव कैंडल होता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि यहां से प्राइस को ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके जाना है, राइट। तो इसीलिए अगर आप कभी डोजी ट्रेड करते हो या कभी भी आपने डोजी ट्रेड किया होगा तो लोग आपको कहेंगे कि डोजी की रेंज जो है वो एक इंपॉर्टेंट होती है और उसके ऊपर ब्रेकआउट या उसके नीचे ब्रेकडाउन जो होता है उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। तो यहां पर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ प्लस यहां पर हम लोगों को एक प्रो गैप मिला, तो दिस वॉज ए वेरी वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन। तो अब हम लोगों ने बात कर ली प्राइस एक्शन की, हम लोगों ने बात कर ली सपोर्ट रेजिस्टेंस की, हम लोगों ने बात कर ली मूविंग एवरेजेस की। अब एक और चीज हम बात करते हैं जो कि है मेरा फेवरेट इंडिकेटर, जिसे हम बोलते हैं RSI, राइट। RSI देखिए फ्रेंड्स 30 पे था, 30 इज एन ओवरसोल्ड जोन। तो जनरली जब ओवरसोल्ड जोन पे प्राइस आती है तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि यहां से प्राइस जो है वो बाउंस कर जाए। तो एट दिस पॉइंट RSI वॉज एट 30 लेवल, RSI 30 के लेवल पे था। तो यहां से एक, अब देखिए मोमेंटम का सपोर्ट भी है, राइट, एक लीडिंग इंडिकेटर है RSI, लीडिंग इंडिकेटर मोमेंटम का सपोर्ट है, मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, राइट, जो हम लोग देख रहे हैं कि जो जनरल इलेक्शंस के हाई थे प्राइस का सपोर्ट है, और यहां पर कैंडलस्टिक्स भी आपको बता रही है कि यहां पर स्ट्रेंथ जो है थोड़ा सा बनता दिखाई दे रहा है। तो देर आर 4-5 थिंग्स देर आर कमिंग टूगेदर एट दिस पॉइंट, जो कि हम लोगों को बता रही थी कि देर इज अ वेरी वेरी फेयर चांस कि मार्केट यहां से बाउंस करते हैं। ये तो प्राइस की बात है फ्रेंड्स, इसके अलावा
अब ब्रेथ की एनालिसिस करते हैं, हम इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं, इंट्रा मार्केट एनालिसिस करते हैं, आगे जाके सेक्टर एनालिसिस करते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं हम लोगों को और भी कॉन्फिडेंट बना देती है इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को भरोसा करने में कि यहाँ से मार्केट जो है बाउंस कर सकती है, राइट। तो निफ्टी बाउंस क्यों करी और व्हाट वाज द रीज़न फॉर निफ्टी इज बाउंस, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरह से बाउंस हम लोग को। अच्छा एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, चलो एक चीज़ तो भूल ही गया भाई, एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था यहाँ पर, अब देखो ट्रेंड लाइन भी आ गई। अब देखिए 3-4-5 चीजें एक साथ मिल गई, अब क्या करना है सर? ठीक है ये तो बता दिया आपने हुआ पीछे, अभी आगे क्या करने का है, निफ्टी यहां से आगे क्या करेगा, राइट। तो निफ्टी यहां से आगे क्या करेगा ये तो किसी का पप्पा नहीं बता सकता, लेकिन हमारा काम यह है कि एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हम प्रोबेबिलिटी को भावे, राइट। भावना मतलब प्रोबेबिलिटी को हम असेस करें कि क्या प्रोबेबिलिटी है यहां से, प्राइस यहां से क्या क्या कर सकती है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्राइस क्या कर सकती है उसके ऊपर आपका और मेरा जोर नहीं है, लेकिन उस प्राइस क्या करती है उसके रिएक्शन पे आपका मेरा जोर है। तो अगर यहां से अगर हमको लगता है कि हमारा अगर बुलिश होना गलत है, राइट, तो प्राइस गिरेगी उसके ऊपर आपका जोर नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप गलत हो तो वहां पर पोजिशन काट लेने में आपका जोर है, राइट। तो कंट्रोलेबल्स क्या है, आपका रिएक्शन, कंट्रोलेबल क्या है आपका मनी मैनेजमेंट, कंट्रोलेबल क्या है आप कैसे, क्या प्रक्रिया है आपकी जब वो प्राइस या ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है, क्या आप क्या करते हो जब वो प्राइस या ट्रेड आपके फेवर में जाता है, तो वो चीज जो है वो कंट्रोलेबल है। तो हम उन्हीं पे फोकस करेंगे जो चीज कंट्रोलेबल है, जो अनकंट्रोलेबल है उस पे फोकस करके फायदा नहीं है, राइट। तो यहां से देखिए दो सिनेरियोज हो सकते हैं, राइट। नंबर वन, पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि मैं बुलिश सिनेरियो, दोनों बुलिश सिनेरियो की बात कर रहा हूं, पहला सिनेरियो तो हो सकता है कि प्राइस आए नीचे, इसको रीटेस्ट करे और यहां से ऊपर की तरफ जाए, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। ये होता है तो बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि एक ही सांस में प्राइस जो है वो चढ़े नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस की जो फितरत होती है, या जो प्राइस की एक अच्छी प्राइस मूव की जो फितरत होती है, एक अच्छी प्राइस मूव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो इसी तरह से होती है जो कि रुक के चलती है, फिर पुल बैक, फिर जाएगी, फिर पुल बैक। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो हम चाहते हैं कि यही कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को यहां पर देखने को मिले, यहां से प्राइस ऊपर जाए, नीचे आए, और फिर यहां से जो है अपनी जर्नी ऊपर की तरफ शुरू करें, नंबर वन। तो ये अगर होता है तो इट्स बेस्ट केस सिनेरियो, राइट। अब एंट्री कहां प्लान करोगे, क्या करोगे सर? देखिए हम लोग वो आपको बता नहीं सकते कि कहां एंट्री प्लान करोगे, कैसे करोगे, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। देखिए दिशा मैंने आपको दिखा दी, अब कम से कम चलो उसके, आप चलना आपको है, राइट। तो रास्ता मैं दिखा रहा हूं, अब उस, अब रास्ते पर चल के मंजिल तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, राइट। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कि ये प्राइस ऐसे नीचे आए और यहां से इस तरह से भी ऊपर जा सकती है ट्रैप करके, क्योंकि ऐसा है ना फ्रेंड्स कि मार्केट देखिए क्या करती है, मार्केट सब अभी मार्केट को पता है ना कि ये जो ऐसा गैप देखा, ऐसा प्राइस पैटर्न देखा, तो बहुत लोग कूदने आ गए होंगे मार्केट में, बहुत लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया होगा, तो मार्केट है ना हल्का सा यहां से पुल बैक करती है, और जब मार्केट जब हल्का सा पुल बैक करेगी तो बहुत से लोगों को लगेगा कि नहीं ट्रेंड वापस नीचे की तरफ जा रहा है, तो बहुत से लोग यहां पर निकलना शुरू कर देंगे, लेकिन बहुत जैसे अगर लोग नहीं निकलते हैं, राइट, तो प्राइस और नीचे जाएगी और फिर ये पिछले लोस के नीचे जाकर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। यहां पर देखिए इसे कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब, राइट, इसे कहा जाता है लिक्विडिटी ग्रैब SMC के कॉन्सेप्ट में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, राइट। तो यहां पर बहुत सारे ना ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स लगे हुए रहते हैं, और वो जो स्मार्ट मनी होता है ना जान मुझ के प्राइस को नीचे डालता है और आपके सेल ऑर्डर ट्रिगर कराता है और अपने बाय ऑर्डर, क्योंकि आपका सेल ऑर्डर होगा ना तो उसका बाय ऑर्डर होगा, फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बेस्ट केस सिनेरियो हमें चाहिए ये इस तरह से हो, ऑलराइट। तो ये हम लोगों को निफ्टी को देखना है। अब आप यहां पर टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करके, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके, VPA को इस्तेमाल करके आप अपनी एंट्रीज यहां पर कैसे प्लान करना है आप समझ सकते हो, राइट। वैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम रिलीज किया है फ्रेंड्स, जिसमें हम आपके साथ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, डिमांड सप्लाई, VPA, चार चीजों को हम लोगों ने एक साथ डिस्कस किया है। ये जनरली आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं, ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन, इन चार चीजों को एक साथ हार्मनी में कैसे इस्तेमाल करना है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, इट वेरी रेयर, राइट। तो अगर आप उस प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहते हो, डिटेल जानना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आराम से चेक करिए। तो ये हम लोगों का निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मार्केट में तेजी आती है, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होता है, तो
वो उस ट्रेंड के पीछे कौन कौन से स्टॉक जो है उस ट्रेंड को ड्राइव कर रहे हैं, राइट, कौन कौन से स्टॉक ड्राइव कर रहे हैं। तो हम आपके साथ स्टॉक तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके साथ कुछ एक सेक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि सेटअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप क्या करोगे, अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से जाकर उनमें जो स्टॉक्स हैं आप चुनोगे और फिर अपनी टेक्निकल एनालिसिस लगाकर वहां पर उन स्टॉक्स को आप ले सकते हो। तो सबसे पहला सेक्टर जो कि हम बात करेंगे आपके साथ वो होगा निफ्टी आईटी का। अगर आप निफ्टी आईटी के इंडेक्स को देखोगे तो फ्रेंड्स, निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो है वो पूरे फॉल में, राइट, पूरे फॉल में वो एकदम एक तरफा खड़ा रहा, राइट। निफ्टी गिरती रही लेकिन ये नहीं गिरा, ये साइडवेज था और फिर यहाँ से ये देखिए प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ से हम लोगों को मिला है। तो यहाँ से निफ्टी आईटी ने एक प्रॉपर ब्रेकआउट दी है, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट। और ये प्राइस पे नहीं, अगर आप यहाँ पर देखोगे आरएसआई पे भी ट्रेंड लाइन जो है ब्रीच हुई है। सर आरएसआई पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं, राइट, आरएसआई पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, आरएसआई पे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। 50 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज है आरएसआई पे, और जो इंटरनेट पे अवेलेबल है ना वो 1% है, 1%, जस्ट 1%, राइट। तो ये देखिएगा कि इस तरह से आप देख रहे हो कि आरएसआई पे ब्रेकआउट मिला और प्राइस पे भी यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। तो ये जो सेक्टर है इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, राइट। इसके पीछे का रीज़न क्या है फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है उसके वजह से बहुत सारी कंपनीज को ना अपने एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स हैं उनको रिवैम्प कराने पड़ेंगे, और जब उनको रिवैम्प कराने पड़ेंगे तो ऑफकोर्स आईटी इंडस्ट्री जो है वो आगे आएंगी, क्योंकि और कौन करेगा, आईटी का काम है आईटी वाले ही करेंगे, तो इनका जो है ज़्यादातर स्ट्रांग योगदान हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्ट्रांग, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बना हुआ है, राइट, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया है इस पैटर्न ने। तो अब ये ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पर अभी ब्रेकआउट, जैसे मैंने बोला ना कि प्राइस जो यहाँ पर आके, जनरली देखिए प्राइस जो ना 6 चीज़ें करती है, राइट। अब मैं सारे पत्ते तो आपके साथ आज खोल नहीं सकता, राइट। तो फिर हमारे क्या है ना कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम वाले हैं, जो हम लोग पेड प्रोग्राम वाले ना, गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं आप तो सारे चीज़ बता दे रहे हो फ्री में। तो जनरली प्राइस कहीं पर भी जाती है ना तो इट कैन डू 6 थिंग्स, राइट। तो अगर आप समझ लो कि वो 6 चीज़ क्या करेंगे, नंबर वन सबसे पहला काम है हमारा समझना कि प्राइस वो 6 क्या कर सकती है। नंबर टू, इन 6 चीज़ में से कोई भी चीज़ एक चीज़ होती है तो उसमें आप रिएक्ट कैसे करोगे, ये चीज़ हमें समझना है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर प्राइस क्या कर सकती है फ्रेंड, देखिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस अगर पुल बैक आती है तो आप वेट करेंगे, राइट, यू विल वेट, आप अपने वेट फॉर द परफेक्ट सेटअप, ये पुल बैक खत्म होने के लिए वेट करिए, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, देन यू टेक अ ब्रेकआउट ट्रेड, राइट। अब किस में ट्रेड लेना है वो स्टॉक्स जाकर आप खोजिए, और वो आप देखिए कौन से स्टॉक्स जो है सेटअप हो रहे हैं, कौन से स्टॉक्स जो हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हैं जिनमें, उन स्टॉक्स में जाकर आप ट्रेड लीजिए, राइट। ये पहला सेक्टर, राइट। नेक्स्ट सेक्टर जो है देखिए, ये अभी इस सेक्टर के बारे में जनरली कोई बात नहीं कर रहा, ये चुपचाप एकदम जो है आगे बढ़ रहा है, जो है निफ्टी PSU बैंक का, राइट। ये निफ्टी PSU बैंक, अब अगर आप देखो तो निफ्टी PSU बैंक में एक स्ट्रांग मोमेंटम, राइट, लास्ट 2-3 दिन में एक स्ट्रांग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। तो हम बोल सकते हैं अभी कि ये जो है ना एक तरह से एक्यूमुलेशन जोन में है, राइट, इसे एक्यूमुलेशन जोन बोला जाता है, यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन जोन में है। तो अब जब ये एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकलेगी पूरी तरह से, उस समय जो है आप निफ्टी PSU बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें ध्यान रखें। तो अभी से आपको क्या करना है ना, निफ्टी PSU बैंक्स के स्टॉक्स को जाके देखना शुरू कर दीजिए, कौन से स्टॉक जो है वो रेडी हो रहे हैं। तो ये एक तरह से एक्यूमुलेशन जोन, जब ये बाहर निकलेगा तो आपको इसमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तीसरा सेक्टर जो कि वापस सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी थोड़े दिन पहले गिर रहा था, थोड़े दिन पहले लोग को लग रहा था कि इस सेक्टर की स्टोरी जो है वो खत्म हो गई है, वो है निफ्टी रियलिटी। अगर आप निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को देखोगे तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी एक स्ट्रांग मूवमेंट, देखिए कितनी स्ट्रांग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। लास्ट अगर एक हफ्ते की हम बात करते हैं तो लास्ट एक हफ्ते में निफ्टी गिर रही थी, लेकिन ये रियलिटी इंडेक्स जो है वो नहीं गिर रहा, एकदम स्ट्रेंथ था, और यहाँ से एक स्ट्रांग गैप अप करके देखिए अपने पिछले स्विंग के ऊपर भी जाकर बंद हुआ है। तो ये एक निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है, एक और सेक्टर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम बैंक इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी तो ऑफकोर्स
बहुत बहुत स्ट्रांग है ही, राइट। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस लेवल्स के, ये एक रेंज में है और वंस ये रेंज से बैंक निफ्टी बाहर निकलती है तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। तो इनके जो स्टॉक्स हैं, जो धूर वीर धुरंधर स्टॉक जो है इन सेक्टर्स के, आपको काम, अब आपका होमवर्क यही है कि इन सेक्टर्स, इन स्टॉक्स को आप ढूंढेंगे और आप जो है इन सेक्टर अपने आप को प्लेस करने के लिए रेडी रहेंगे। देखिए सब एकदम प्रैक्टिकली चीज़ें जो हमने डिस्कस करी कि यहाँ से जो निफ्टी की जो हम लोगों ने आपके साथ इतनी गहराई में डिस्कशन की वो जनरली शायद ही आपको कहीं और लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इतनी गहराई में लोग जाते नहीं है। और सही मानिए जो एनालिसिस जो मैंने आपके साथ करी ना, वो एनालिसिस वो जो निफ्टी की जो हम करते हैं राइट, वो उसका ना अभी आपको सिर्फ 30% ही मैंने दिया है, ओके। अभी और 70% एनालिसिस होती है जहाँ पर ऑलमोस्ट जो है निफ्टी को आप जो है टॉप और बॉटम पकड़ने के लायक हो जाते हैं। एनीवेज अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो कौन से सेक्टर हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने देखे निफ्टी आईटी, जहां पर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रांग एक ट्रेंड लाइन अब ब्रेक हो रहा है और स्ट्रांग ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर प्राइस अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, आरएसआई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। और एक और चीज देखिएगा कि आरएसआई जो है इसके 40 के जोन में ही है, तो 40 का जोन जो होता है वो बुलिश थ्रेशोल्ड लेवल होता है, तो 40 के जोन पे है। नेक्स्ट जैसे दूसरा हम लोगों ने देखा वो था निफ्टी रियलिटी, तो निफ्टी रियलिटी के इंडेक्स को भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी की रियलिटी के इंडेक्स में अगर आप आरएसआई को देखोगे तो देखिए एक बहुत पार की नज़र चाहिए एक डाइवर्जेंस देखने के लिए, तो यहाँ पर जो है आपको आरएसआई पे डाइवर्जेंस दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। तो देखिए बुलिश डाइवर्जेंस है कि नहीं आप अपने आप देखो, यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी है और उसके बाद ये बुलिश डाइवर्जेंस के बाद क्या होता है, स्ट्रेंथ दिखाई देती है जिससे ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ती है। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन यही होती है कि अगर इसको तोड़ रही है वापस नीचे आकर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे, ब्रेकआउट रीटेस्ट जो होता है वो होता है यहाँ पर जनरली। तो ये दूसरी सेक्टर जो हम लोगों ने देखा। तीसरा जैसे हमने कहा कि पीएसयू जो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है, ये एक्यूमुलेशन में दिखाई दे रहा है, तो आप इस सेक्टर पे खासम खास ध्यान रखेंगे, देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम इन दिस सेक्टर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पहला एपिसोड था, थोड़ा लाइट रखेंगे, जैसे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और इम्प्रूव होगा, आपके सुझाव आपके विचार आप नीचे दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो हम और इम्प्रूव करेंगे इसको और कैसे और इसमें क्या इंक्लूजन्स करें, कैसे आपके साथ और इंटरेक्टिव करें, तो आप सुझाव दीजिए, हम पक्का आपके जो है इस पे हम अप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ। ये याद रखिएगा आपको आपकी फीस पेमेंट करनी है, फीस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके उनको जोड़े आप, राइट। बाय बाय।